हेलो फ्रेंड, तो ये देखिए आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए भरुआ करेले की रेसिपी। तो ये बहुत ही अच्छे से बनता। तो इधर मैंने प्याज काट लिया है और सौंफ है और ये जीरा है और ये कलौंजी अजवाइन और ये कलौंजी थोड़ा मैंने और ले लिया और ये मेथी है और खड़ी धनिया है और ये मैंने आम की जो कली होती है उसको मैंने भिगो दिया था खटाई के लिए और लहसुन और ये कटा हुआ प्याज, इसको सब मैं पीस लूँगी मिक्सी में। तो इधर मैंने पीस लिया है, पेस्ट बना लिया, इधर मैंने पैन चढ़ा दिया, उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है सौंफ और फिर जो मैंने पेस्ट बनाया था फ्रेंड उसको मैंने डाल दिया पेस्ट को। तो पेस्ट को मैं अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी और इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। फ्रेंड ये भरुआ करेला इतना स्वादिष्ट लगता है, चाहे तो आप रोटी के साथ खाएं या आप दाल चावल के साथ, अरहर की दाल चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको मैंने अच्छे से मिला के पका लिया है ढक के और इसको जितना अच्छा भुनेंगे ना उतना ही महक और टेस्टी लगता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड। एक बार इस तरह से करेला बनाएंगे ना तो लोग चाटते रह जाएंगे उंगलियाँ। तो इधर मैंने करेले को पहले से ही चीर के रख लिया था और इसमें जीरा लगा दिया था बहुत ही अच्छे से और इसके बीज भी निकाल लिए थे, बीज इसी मसाले में मैंने पीस लिए हैं, तो बीज को भी इसी में पीस लिया है और अच्छे से अब मैं भर दूंगी। तो देखिए कितने अच्छे से मेरा करेला भर रहा है। तो छोटे, अगर भरुआ बनाना है तो छोटे साइज़ के करेले लाइए और फिर इसी तरह से इसको बनाइए। तो फ्रेंड मैंने इसको सारा मटेरियल इसके अंदर भर दिया है और इससे मुझे बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लोगों से निकल जाता मसाला मेरा, कुछ एक भी मसाला निकलेगा नहीं। तो इधर मैंने पैन चढ़ा दिया, उसमें मैंने डाला करुआ तेल। तो फिर तेल डालने के बाद मैं इसमें एक एक करेला पूरा ऐसे ही रख दूंगी। तो देखिए फ्रेंड मैंने ऐसे ही रख दिया है, अब इसको एकदम स्लो आंच पे इसको पकाना है। तो मैंने ढक के पका लिया और इधर मैं फिर खोल के इसको पलट दूंगी। तो इधर देखिए मैंने पलट दिया, कुछ ही देर में मेरे बिल्कुल पक जाएंगे। तो वैसे पक गए हैं लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको कुरकुरा बनाऊंगी। तो ये फ्रेंड आप 15 दिन तक इसको खा सकते हैं, रख के 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। एक बार ये मेरे कहने से रेसिपी ज़रूर बनाइए क्योंकि इसमें मैंने कुछ नहीं डाला फिर भी ये कड़वा नहीं लगता है फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा।